इस चार्ट में कंपैरिजन दी गई है स्टॉक वर्सेस निफ्टी की 1 जनवरी 2020 से आज तक। इसमें हम प्राइसेस का सडन फॉल और रिकवरी दोनों एक साथ देख सकते हैं। 1 जनवरी 2020 से मार्च 2020 यानी कि 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में निफ्टी की वैल्यू 38% वाइप आउट हो चुकी थी और ये स्टॉक सिर्फ 19-20% गिरा, तो हमें इस स्टॉक की प्रशंसा करनी चाहिए। जनवरी 2020 से करंट डेट तक 30% घटी है इस स्टॉक की प्राइस। ये स्टॉक की मूवमेंट ठीक नहीं रही, कहाँ निफ्टी 50 इंडेक्स की मूवमेंट और कहाँ इस स्टॉक की मूवमेंट। स्टॉक का करंट परफॉर्मेंस हमने देखा, अब लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं। को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था, 6 साल बाद शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। लॉकडाउन में जब लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट थी तब 23 मार्च 2020 को शेयर प्राइस थी और इंडेक्स था। और करंट प्राइस है और इंडेक्स है। अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टॉक में 4 बातें होनी चाहिए। 1, लंबी अवधि में शेयर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए। 2, जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा स्टॉक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। 3, जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टॉक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले। 4, हमारा शेयर अपने सेक्टर का टॉप शेयर होना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा शेयर निफ्टी से बेटर है या नहीं, यानी कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे। अगर आपको सेक्टर का टॉप शेयर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1/1/2014 को 1 लाख रुपए इस शेयर में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद 1 जनवरी 2020 को इस शेयर में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए हो गए। मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट शेयर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1/1/2014 के दिन 1 लाख रुपए निफ्टी 50 शेयर्स में इन्वेस्ट किए। 6 साल बाद 1/1/2020 के दिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए हो गए। मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई और करंट निफ्टी 50 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है। शेयर में एप्रिसिएशन ज्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट शेयर ने जीत लिया है। सेकंड पॉइंट, शेयर ने जीता। थर्ड पॉइंट, निफ्टी ने जीता। ओवरऑल शेयर जीता। यही फिगर्स चार्ट में देखते हैं। एक मिनट के लिए हमें यह भी सोचना चाहिए कि ये शेयर और निफ्टी का इंडेक्स जैसे पिछले 7 सालों में चले हैं, वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी वैल्यू कहाँ पहुंचेगी। यही 1 लाख रुपए की अगर हमने 8% इंटरेस्ट से फिक्स डिपॉजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती। एफडी के 8% के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया, ये शेयर ने कितने परसेंटेज का रिटर्न दिया। स्टॉक मार्केट में अगर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। ये आंकड़े देखकर अगर किसी को विचार आए कि मैं बैंक एफडी तोड़कर शेयर खरीद लूं, तो उसके लिए यह है अगला चार्ट जो 1/1/2020 से 31 मार्च 2020 का है। ये कंपेरिजन है 1 अक्टूबर 2020 से आज तक की। यहां पर निफ्टी मजबूत रहा। यह कंपैरिजन है 1 दिसंबर 2020 से आज तक की। यहां पर निफ्टी मजबूत रहा। थैंक यू।